वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। ये है आर्या डेयरी फार्म के मालिक ओनर हैं, चार भाई हैं जिसमें मुख्य रूप से जो काम करते हैं वो हैं दिलीप जी और अरुण जी। ये डॉक्टरी भी करते हैं, जो गाय से रिलेटेड जो भी इशू होता है, AI है या कुछ भी है वो भी करते हैं। इनका बड़े स्तर पर हरा चारा जो सुपर निपियर ग्रास है, कौन सी घास है सर? ये सुपर निपियर है, 3 बीघा में लग गया मेरा। तो 3 बीघा में बड़े अभी तो तैयार ना है, लेकिन अभी तो ये सब देख ही रहे, उधर भी लग गया, आज भी लग ही रहा है। तो ये खरीदार इनके आए हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं भाई जी? नवादा से आए हैं। कहाँ घर पड़ता है नवादा में? नवादा में कादरीगंज। कावरीगंज? कादरीगंज। कादरीगंज। आप कितना नेपियर लेना चाहते हैं सर? 800 पीस। अभी और ले जाएंगे। खासियत के बारे में आपको कैसे पता चला? सर, इनका कोई रिलेटिव था, उन्होंने बताया। वो रिलेटिव मेरा नहीं था, ये रिलेटिव है, पंडित जी हैं दरभंगा का, वो ले गए थे जी जी। और उनका रिलेटिव कोई इनका गांव के था कोई, हो सकता है कहीं टाउन में तो भेंट हुआ, तो वही उनको नंबर दिया जी जी। तो ये बात किए तो हम कहे हाँ सर आइए, अवेलेबल है। तो ये सुपर नेपियर सर ग्रास, एक बार आओ, आपसे मुलाकात हुई थी, ये तो क्रांतिकारी सही में हो रहा है। तो देखिए, एक बार आप बात जो किए थे ना जी जी। तो उसमें तो हम आपको बताए थे कि 1-2 महीना के बाद आके देखिएगा मेरा सुपर नेपियर और मेरा गौशाला गाय जी जी। तो गौशाला को अभी आप बना लिए जी जी। गाय में अंतर बुझाया? गाय में तो अंतर, प्रति गाय 1.5 से 2 लीटर दूध क्षमता बढ़ गया मेरा, SNA फैट बढ़ गया जी। दूध का क्वालिटी तो कहने नहीं है अभी जी। कल एक मैनेजर आए थे, कहे कि दूध जी हम हर पालीगंज से आते हैं यहाँ दूध के लिए जी। हरवल से मैनेजर यहीं के दूध ले जाते हैं जी। है ना, बैंक स्टाफ लोग, तो दूध के गुणवत्ता में तो कोई माने हमको तोड़ ही नहीं सकता है अब कि नहीं दूध अच्छा नहीं है जी। हो गया। अब आज ये हरा चारा पर, ये हरे चारे के चलते गाय में भी अंतर आया, दूध सेहत दोनों पर जी। अब अनाज थोड़ा हम कम करती हैं, करीब 1.5 किलो के लगभग में अनाज हम कमाए हैं प्रति गाय, समझ गए ना। तो प्रति गाय हम यही सोचे हैं कि 120 से 30 रुपया अभी हमको बचत हो रहा है, दूध उधर प्लस हो गया, इधर अनाज कम गया जी। सूखा चारा कमा है, सूखा चारा 100% अभी ना कमा है, हालांकि हम बोले थे कि कम जाएगा, लेकिन अभी उतना नेपियर न हुआ जितना जानवर है, और 20-25 दिन और लगेगा मेरा। तो आज देख लीजिए नेपियर का 14 फीट, 14.5 फीट, कुछ 15 फीट मेरा वो नेपियर हो गया है जी। और देख लीजिए बिना खाद का कितना हरा है। तो सर, ये क्रांति, आप सबसे पहले जो इसके जनक आपके नज़र में कौन है बिहार के अंदर? बिहार में तो सबसे पहले हम ही रहे हैं। कहाँ में सबसे पहले आए सर? भारत में कौन लाया होगा? भारत में शायद सबसे पहले आया था गुजरात। गुजरात से सबसे पहले नेपियर आया है, गुजरात डेयरी मंगवाया था, आनंद डेयरी। आनंद डेयरी तो वहीं से सब लोग को आया है, NDD भी। हाँ हाँ, गुजराते से हम, मेरा भी आया था जी। तो सर, इसका कुछ खासियत बताएं, आगे आए और हम लोग को ये बताएं आप कि क्या इसकी खासियत, इसका कितना खासियत बताएं हम, थक जाइएगा। जो आप बताएंगे वो भी कम पड़ जाएगा। हाँ, कम पड़ जाएगा, ई लेल कम पड़ जाएगा कि हम लोग अभी भुलाए थे सूडान सीजनली और बरसिम, न हम लोग को नॉलेज था माखन ग्रास न कुछ पर, मगर माखन ग्रास से तो इखर अब बहुत ऊपर का है, वो क्या है सीजनली है 3 महीना का, ये जो है से 5 साल 10 साल वाली हरा चारा है जी जी। प्रोटीन तो कहने ना है, फाइबर कहने ना है, जब प्रोटीन और फाइबर है। ग्लूकोज का कितना परसेंट हो गया इसमें? आप इसका इसका जड़ थोड़ा तोड़ के नहीं तो चिप लीजिए, 30% होगा, इससे कम तो नहीं लगता है। तो अगर 30% होगा तो दूध बढ़ जाएगा? हाँ हाँ, एकदम बढ़ जाएगा ना। आप सोच लीजिए कि आपके सामने इतना ज्वाइल हरा चारा डला रहा था, आज जानवर सारा खा गया, इतने अगर आप सूडान कड़ा डाल के देखिए, जानवर किसी कीमत पर नहीं खाएगा, किसी कीमत पर नहीं खाएगा, भूखे जब जानवर रहेगा ना। इसमें रस है, आइए इधर थोड़ा सा, आइए आपको एक डंठल तोड़ के दिखाते हैं। हाथ आप ऊपर करके खड़ा होना, कितना हाइट है इसका? खड़ा होइए, आप हाथ ऊपर करिए, आप लेने आए हैं, कस्टमर हैं। ये कम बढ़ा ले जा तब, ये इनसे बड़ा है, समथिंग इनसे 2 फीट ऊपर है, तो लग रहा है कि 13 फीट का है, ये 6 फीट के जवान है, 5.5-6 फीट का। और अब आइए उसी डंठल को तोड़ा जाए, ज्वाइल है, उसी डंठल को आप तोड़ लीजिए, तोड़िए उसे, बीच से तोड़िए इसको, इसको तनी सुन रस निकालिए, देखिए देखिए रस टपक रहा है, इसे देख रहे हैं ना, पूरा फाड़िए इसको, देखिए रस, खाली फाइबर है, देखिए देखिए इतना, देखिए रस, देख रहे हैं ना रस, देखिए रस दिखा रहे हैं,
तो सर अगर इस क्वालिटी की घास अगर सालों भर दे देंगे तो आपका फार्मिंग तो ऐसे ही सफल हो जाएगा, बहुत सफल हो जाएगा ना। इसको चिप के देखिए आप, ये ईक की तरह मीठा लग रहा है। इक्का जैसे अंगेरी चिपते हैं ना। जी जी। तो दोस्तों ये है सुपर नेपो, अंगेरी है ना, मीठा है ना। हाँ? स्वीट है। तो अगर गाय इसको खाएगी तो चीनी का मात्रा होगा तो दूध अपने आप बढ़ जाएगा। कितना मुलायम है, ऊपर से लगता है कि बहुत हार्ड होगा, एकदम सॉफ्ट है। और सॉफ्ट है तो समझिए कि फाइबर है पूरा। तो सर हमें ये बताया जाए कि ये आपने इतना बड़ा बड़ा करने में इसका कितना महीने का जो आपका, ये अभी 3 महीना का हुआ है, 3 महीना से थोड़ा कम रहा है, मतलब 90 दिन में इतना हाँ। बड़ा हो जाता। और नहीं, और ज़्यादा होगा। जी जी। मेरा साल भर जोता हुआ जमीन नहीं था, बरसात में हम गाड़ दिए थे। जी। समझ गए ना, बिना जोता हुआ जमीन में सब में पानी था। जी। अब आ गया 18,000 का बीज, अब लगे कि कहीं तो ऊंचा जमीन है नहीं, तब तत्कालीन इसी में गाड़ देते हैं। जी। तो गड़ा गया तो अच्छे हुआ, गाड़ दिए। अब सोच रहे हैं कि इसको, अभी बोले थे आपसे ना कि कोड़ा मन है कि कोड़वा देते हैं, तो लग रहा है कि में कितना इसमें पानी था और आपने लगा दिया इसे। पानी देखिए, पानी अगर मर रहा है ना तो आप पानी पटाइए, इससे तो कोई खास अथी नहीं है पानी का। अब गर्मी के दिन आ गया तो 15 दिन पर पटा दीजिए। थोड़ा पानी लगने से सूखेगा नहीं? नहीं, पानी तो एको महीना लग रहेगा तो नहीं सूखेगा। अब बरसात में तो रह गया 2 महीना पानी ना, बरसात में इस समय तो देख लीजिए ना, कहीं से निकलने लायक है इस जमीन का? नहीं, इस जमीन का भरल था, बरसात में भरल था 2 महीना। ये भी लगा दिया, लगा दिया उस समय संजोग से देखिए, इतने माने 6-6 इंची के नेपियर था और पानी यही था कि सूख जा रहा था, लेकिन जब पूरा बरसात किया तो 10-15 दिन पानी रह जाता था, लेकिन नेपियर हो गया था 2-2 फीट का, कुछ नहीं हुआ, ग्रोथ होते गया। ये है सर का, देखिए कितना सुपर नेपियर हुआ है, क्वालिटी का कितनी बड़ी बड़ी है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। अगर देखिए लाना है कितना कानी दे रहा है, कितना बड़ा डंठल में सब में कानी दे रहा है। नेपियर से देखिए ऊपर ऊपर भी कानी देता है, ना सॉफ्ट है, देखा है ना, इतना सॉफ्ट है सर, देखिए कितना सॉफ्ट है, देखने में लगता है कितना हार्ड होगा और हरियर हाथ हो जाएगा। देखिए हम लोग जैसे, देखिए हरियर हाथ हो जाएगा। हम लोग जैसे स्पंज खाते हैं पशुओं के लिए, तो ये स्पंज के माफी, आप देखिए स्पंज खाते हैं उसमें फाइबर है कि नहीं? बिल्कुल है। काहे स्पंज अच्छा माना जाता है? जी, फाइबर के चलते, बिल्कुल सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस, इतना सॉफ्टनेस अगर गाय देख लीजिए ना, ये तो ये देखिए कितना है सॉफ्ट, एकदम मसला गया, मसला गया, देख रहे हैं एकदम, लग रहा है ना कितना मसला, मैंने कितना ठीक करेंगे एकदम, देख रहे हैं ना सर। अगर कोई हरियर हाथ हो गया, देखिए हेलो, कहता है धार की धार रहता है, देखिए धार कहाँ हाथ, कुछ हो रहा है देखिए तो नहीं, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, एक को ठोक धार, हमें इसमें कोई खास धार तो है ही नहीं, नहीं एकदम सॉफ्ट है। इंडोनेशिया का देखिए सबसे, देखिए ना जड़ के पास लाल लाल कलर है, छोटा था तो लाल ज़्यादा लगता था, अब बड़ा हो गया तो लाल लोला कम गया, अब मोटा मोटा तना देख रहे हैं कितना मोटा मोटा तना है, जो कि इसको अगर हम जोत, आइए इधर थोड़ा सा, जंगल खेत था भाई जी, देखिए ललजरिया जंगल खेत में, ललजरिया देखिए घास कितना बड़ा बड़ा, भर भर माथा के ललजरिया होता था, देख रहे हैं ना पूरा खेत, अब सड़ सूख गया, देख रहे हैं ना पूरा खेत किसे जंगल है। तो सर ये काफी बड़े मात्रा में आपने लगाया है, कितना लंबा आदमी रहेगा तो छुएगा। अच्छा कितना सर, अगर आपका प्रोडक्शन अगर कोई किसान लेना चाहे, अगर नेपियर को, तो हम तो बोल दिए हैं कि हमको बिहार में पूरा दे देना है, 2 रुपये स्टिक, 2 रुपये स्टिक। हाँ एकदम, बहुत लोग कह रहा है फोन करके, करे इतना क्यों गिरा दिया रेट, बल्कि नहीं हमको पैसा से ज्यादा, हमको सेवा बोलिए सर, अगर कोई 99390-96-41। अच्छा इस नंबर पे कंसल्ट करें, और अगर नेपियर लेना हो तो आप सर के थ्रू ले सकते हैं, फ़ोन नंबर बता दिया गया है। और ये नेपियर आपको मिलेगा नहीं आज के डेट में, क्रांति है बिहार में, इसके बिना पशुपालन अधूरा, नहीं नहीं हो भी नहीं करेगा, थक जाएगा ना लोग इसके बिना, थक जाएगा छोटा किसान, माने कि 5 बीघा किसान है और चाहेगा कि हम ज़्यादा नहीं 5 गाय रखें, तो 5 बीघा का गवत से सूखा चारा से नहीं पेट भरेगा, जी भर जाएगा, आप भी 5 गाय रखे हुए हैं ना, तो अच्छा सूखा चारा में खाद पदार्थ के अलावे बता दीजिए कि खाद परसेंट माइनस में भी जाके कि खाद परसेंट कुट्टी जो है नेवारी बिहार में बोला जाता है उसमें है प्रोटीन नहीं, तो फाइबर है और क्या चीज़ है, कुछ है खाद पदार्थ, तो हम काहे ही से काम करेंगे। 5 रुपये किलो वो भी है, 5 रुपये किलो अगर भी इसका रेट लेते हैं, अगर हम 30 किलो 40 किलो खिलाते हैं तो सोच लीजिए, जो गुना कर लीजिए कितना बचा रहा है,
बहुत ज्यादा बचत हो, बहुत ज्यादा ना बचत है तो हम भाई इसको दिलीप को कहे हैं कि ज्यादा अगर दिक्कत होगा तो एक बीघा का प्लॉट, डेढ़ बीघा का प्लॉट स्कूल के पास है, ऊंचा जमीन है, समझ गए ना, वहाँ भी रहेगा, अपना ट्रैक्टर से सेवा होगा हरा चारा के लिए केवल, फिर भी फायदा में है आपका ट्रैक्टर से। हाँ हाँ, फिर भी फायदा में है। तो अगर सर जो भी पशुपालक जो यंगस्टर है या जो भी लोग इसको करते हैं तो क्या इसको कंटिन्यू अच्छे स्तर पर करना जरूरी होगा? एकदम जरूरी है ना। आज हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, अभी राजस्थान में हमारा लड़का लोग है, वहाँ कहता है कि पापा यहाँ के किसान बहुत खुशहाल है, जबकि पानी की व्यवस्था नहीं है जी, समझे ना। हरियाणा के अभी हमारे पास आदमी है, जानवर खिलाने वाला हरियाणा के ना है नीतू, वो कहता है कि भैया क्या ही सूखा चारा में नेवारी तुम लोग खिलाते हो, इसमें कुछ है, नेपियर लगाओ चुपचाप, पूरा नेपियर दो, हम पहले नेपियर लगा है नीटू नहीं, बाद में जाता है तो कहे कि लगा है, थोड़ा समय है, 20 दिन में और तैयार हो जाएगा नेपियर, तो प्योर नेपियर चलेगा। हम हरा चारा के चलते देख रहे हैं, कुट कटवा मशीन बदल दिए हैं, हरा चारा काटने वाला मशीन कि फास्टली काम हो जाए, 10 मिनट में 15-20 बोझा काट देता है, 10 मिनट। हाँ, 10 मिनट से लगता है समय। तो गेम चेंजर ये साबित होगा जो ग्रीन फोल्डर के लिए, बहुत बहुत, और उत्पादन के लिए क्रांति लाएगा, श्वेत क्रांति। अभी बात कर रहे थे कि सर कितना कानी करेगा, जाके देखिए कानी, अभी लौक रहा है कानी, ये देखिए छोटा 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 देख रहे हैं ना कानी, 40-50-60-70 कानी तक दे दिया है कौन कौनों में, अभी सब में कानी दे रहा है, छोटा छोटा इस सब में कानी दे रहा है, सब में दे रहा है कानी, अभी वो जो बड़ा है ना उसमें भी अभी कानी देगा, अभी उस सब में 10-10-15-15 कानी देगा। ये था सर का वो भी खेत हमारा पटा है, ये जो अथी वाला है तोरी वाला, इसमें भी कोई हरे चारा लगेगा, नेपियर ना लगेगा, मक्का लगेगा, सुडान उडान हम नहीं लगाते हैं, अब एकदम छोड़ दिए इन साल से, कोई चीज़ नहीं, दूसरा हरा चारा हम देख लिए खिला के ना, कितना 2-3 महीने में रिजल्ट आ गया मेरा, गाय लग रहा है कि कौन शैम्पू लगावल है, एकदम चमक चमक एकदम लाइट कर रहा है, बच्चा के ग्रोथ कितना हो गया। हम कोई गौशाला में गए हैं बिहार में, शाइनिंग ऐसा हम नहीं रखे हैं, हमहूँ बहुत गौशाला में जाते हैं, बहुत ही यही करते हैं, किसी के दरवाजे पर एगो गाय है फिर भी इतना शाइनिंग ना है जितना शाइनिंग है, दूध दूहते हैं ना तो लगता है कि हाथ एकदम चिकन हो गया, बिना तेल घी के दूहते हैं, और हाथ जब सब गाय दुहाता है तो साबुन से धोने पड़ता है, चप चप हाथ करता है, लगता है कि घी हाथ में लगा हुआ है, ये क्वालिटी का दूध है। ये था सुपर नेपियर के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन, और आम किसान को इससे बेहतर कोई घास नहीं, अगर भारत में बिहार में कहीं भी इनको भी एक मॉडल किसान के रूप में हम खड़ा करने जा रहे हैं इनको। हाँ, इनको कहे हैं कि रात्रि में हमसे बात कीजिए, फीड जो आप देते हैं ना, फीड भी आपको हम सस्ता करवा देंगे, और नेपियर आप कीजिए, 2 महीना कष्ट रह लीजिए, 2 महीना के बाद आप कहिएगा कि हाँ किसी बंदा के पास हम गए थे, आज हम कहाँ हैं और उस दिन कहाँ थे। तो गेम चेंजर है किसानों के लिए, और नए सेक्टर के आयाम को खड़े करने में मास्टर है, नई युवा को प्रेरणा देते हैं, तो पुरान छोटन भाई को भी बुलाने वाले हैं तुरंत नेपियर के लिए, बिहान, हाँ बिहान हो सकता है, बिहान बुला लेंगे, तो छोटन जी भी आने वाले जो हमारे भी दोस्त है सर का, उनको भी कहें कि नहीं आपको ले जाके अस्कता रहे हैं, लेकिन नहीं लगाना है, कुछ कुछ पशुपालक है जिससे बरिहरी हम काम कर पाएंगे ना, जो एकदम हमारा नज़दीकी हैं। बिल्कुल सर, तो ये थे हमारे दिलीप सर और अरुण सर, इन्होंने अरुण सर ने आज जो हमें जानकारी दी है बहुत महत्वपूर्ण बताया है, इतना डीप में जानकारी देने वाला कम ही कोई फार्मर है, और इनके कोई भी खरीदना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर कंसल्ट करें, धन्यवाद।